बिलखती माँ और बच्चे को अस्पताल पहुंचाकर दुर्ग पुलिस के दो आरक्षकों ने दिखाई मानवता की मिसाल। दुर्ग एसएसपी ने दोनों आरक्षकों का सम्मान किया। दुर्ग पुलिस द्वारा थाना मोहन नगर के दो आरक्षक शकील खान और तारकेश्वर साहू ने अपनी ड्यूटी में तैनात होने के साथ ही एक परेशान महिला की मदद कर उसको उसके बच्चे को अस्पताल ले जाकर कराया उपचार। गौरतलब है कि दुर्ग के स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास ड्यूटी में तैनात इन आरक्षक के सामने एक महिला अपने 1.5 वर्षीय पुत्री को लिए दौड़ते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहीं ड्यूटी में तैनात कर्मचारी आरक्षक द्वारा महिला के पास जाकर पूछा गया क्या हुआ तो महिला बहुत डरी सहमी थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी 1.5 वर्षीय पुत्री ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उस वक्त महिला ने बताया कि बच्चे को दवाई खिलाया तो दवाई गले में अटक गई है, जिसके बाद परेशान महिला के बताते ही ड्यूटी में तैनात आरक्षक तारकेश्वर साहू एवं शकील खान द्वारा विलम्ब न करते हुए अपनी बाइक से उक्त महिला को उसके 1.5 वर्षीय पुत्री के साथ बाइक में बैठाकर इलाज हेतु तत्काल यशोदा नंदन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा बच्ची का इलाज किया गया। वहीं इस बात की चर्चा जब दुर्ग पुलिस में होने लगी तो परिजन द्वारा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जिस पर ड्यूटी में तैनात उक्त पुलिस कर्मचारियों की तत्परता को देख एसएसपी दुर्ग रामगोपाल गर्ग के द्वारा दोनों आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस संबंध में दुर्ग एसएसपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल 26/12/2023 को हमारे दो आरक्षक तिकेश्वर साहू और शकील खान, इन दोनों आरक्षकों ने एक महिला सिविलियन की मदद की। उनकी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने उनको सड़क पर दौड़ते हुए देखा बच्ची को गोद में लिए हुए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इशू है। तो उन्होंने बताया कि बच्ची की तबीयत ख़राब है, तो वो तत्काल उन्होंने उनकी ड्यूटी जो लगी हुई थी वहाँ पर भारी को बताया और तत्काल वो लोग अपने वाहन पर लेकर अस्पताल में लेके गए, जिससे कि उस बच्ची की जान बच सकी। इस प्रकार हमारे जो पुलिसकर्मी हैं ना केवल अपराध विवेचना अपराध रोकथाम में काम कर रहे हैं, वो हर मोड़ पर हमारे जो जनता है उसके साथ खड़े हैं और उनके हर सुख दुख में सहभागी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि दुर्ग पुलिस के ऐसे काम से हमारे और जवानों में भी इस तरह की भावना पैदा होगी और जो हमारी जो दुर्ग जिले की जनता है उसका पुलिस के प्रति और विश्वास पैदा होगा। धन्यवाद। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।